हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। उसका नाम है वेजिटेबल इडली। तो देखिए कैसे बनती है ये। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले एक कप दही लिया है, ये देखिए ये वाला कप। एक चम्मच बेकिंग पाउडर है। मैं इस रेसिपी में बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इनो भी यूज़ कर सकते हैं। कटा हुआ धनिया, गाजर बारीक कटी हुई, मटर, आप कुछ भी ले सकते हैं, बीन्स, जो भी आपकी फेवरेट सब्जियाँ। और ये बड़ा कप मैंने सूजी का लिया है। कटी हुई हरी मिर्च ली है मैंने, आपका मन करे तो आप लें, नहीं तो ना लें। मैंने काली मिर्च ली है एक चम्मच, नमक आपके स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा ऑयल लिया है 2-3 चम्मच, और एक कप पानी लिया है। सबसे पहले एक बोल लेंगे, बोल में हम सूजी डाल लेंगे। आप सूजी को छान भी लें अगर आपको लगे कि सूजी इतनी अच्छी नहीं है, तो एक बार छान लें। उसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अगर आपको बेकिंग पाउडर नहीं डाला तो आप सब मिक्स करने के बाद इनो भी डाल सकते हैं। ये मैंने अब दही डाल दिया इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे हम सूजी को। अब हम धीरे धीरे करके पानी को मिक्स करेंगे। आप सारा पानी एकदम से ना डालें। पानी धीरे धीरे करने से जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी बनती है, तो हम बहुत धीरे धीरे करके डालेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा डाला और मिक्स किया। इडली शाम के टाइम के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक है और बहुत ही हल्का होता है। साउथ इंडियन के लोग तो ये रोज़ खाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो वेजिटेबल इडली की जगह सिंपल इडली भी बना सकते हैं। आप इसको सांबर के साथ और कोकोनट चटनी के साथ भी ले सकते हैं। सांबर और कोकोनट चटनी कैसी बनती है उसकी भी मैं रेसिपी मैंने डाल रखी है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए दोस्तों, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। दोस्तों आज हम इडली प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो मैंने कुकर गरम करना रख दिया, थोड़ा सा पानी डाला है। आप चाहे तो इसकी जगह नमक भी डाल सकते हैं। सीटी मैंने निकाल दी है, इसे हम थोड़ा सा गरम करने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो अपनी इडली माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। जब तक दोस्तों कुकर गरम हो रहा है तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स जो हैं इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने सबसे पहले कटी हुई हरी मिर्च डाल दी, कटा हुआ धनिया। अगर आपको लगे कि आप स्पाइसी नहीं खा सकते तो आप ना ही डालें हरी मिर्च। गाजर, वेजिटेबल्स कोई भी डाल लीजिए आप अपनी मनपसंद की, जो आपके बच्चों को पसंद हो। मटर डाल दिए मैंने, फ्रोज़न हो या फ्रेश आप जो मर्जी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसमें। अच्छे से दोस्तों हम मिक्स कर लेंगे बैटर को, और अब इसमें मैं नमक और काली मिर्च डाल दूंगी। आप चाहे तो हल्की सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपका मन हो, या थोड़े स्पाइसेस भी डाल सकते हैं जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर या फिर आमचूर पाउडर अगर आपको खट्टा पसंद है। तो मैंने इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली और अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारा बैटर जो है तैयार हो गया। अगर आपको बेकिंग पाउडर दोस्तों नहीं डालना, तो आप जब ये बैटर बन जाए जब तो उसके बाद भी आप इसमें इनो डाल सकते हैं। अगर आपको बेकिंग पाउडर नहीं पसंद, इनो से भी आपकी इडली बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इडली स्टैंड ले लिया है। हम इसको पहले ऑयल से कर देंगे ताकि जो हमारी इडली है वो चिपके ना नीचे। आप जब माइक्रोवेव में भी इडली बनाएं तो पहले मोल्ड पे और थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि जो इडली है वो नीचे ना चिपके। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके इडली का बैटर जो है इसमें डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे करके सारा इडली का बैटर डाल लेंगे इडली मोल्ड्स में। तो दोस्तों प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इडली स्टैंड को अंदर रख देंगे, ये देखिए ऐसे, और बड़े ध्यान से रखना क्योंकि कुकर जो है वो थोड़ा गर्म है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे, और ध्यान रखिए सीटी आप उतार दीजिए।
बंद कर देंगे अच्छे से। और दोस्तों गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें। दोस्तों 10 मिनट बाद हम कुकर खोलेंगे और नाइफ़ और फोक की हेल्प से देखेंगे कि हमारी इडली जो है बन चुकी है। अगर ये बिल्कुल क्लियर आए हमारा फोक तो इसका मतलब बन चुकी है हमारी इडली। अब हम इसको निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर लग रही है इडली। आप अभी इसको मोल्ड में से ना निकालें, 10 मिनट बाद निकालें जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए इडली। तो देखिए दोस्तों मैंने ये इडली कोकोनट चटनी के साथ सर्व की है। आप चाहें तो सांबर के साथ भी ले सकते हैं। कोकोनट चटनी और सांबर की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है उसका लिंक, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो ये शाम के टाइम का बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।